बोर्ड एग्जाम्स के लिए यार 30 दिन रह गए ऑलमोस्ट, क्योंकि बाकी टाइम रिविजन में निकलेगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। लेट से एक बच्चा है, टॉपर बच्चा, इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक टॉपर बच्चा बाकी के सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। कभी भी तुमने ये चीज सोची कि जब कोई बच्चा किसी को पढ़ाता होता है तो तुम्हें कितने जल्दी समझ आता है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि वैसी कम्युनिटी मेरे पास है जहाँ पे एक टॉपर बच्चा है वो बाकी के बच्चों को पढ़ाता है, आधे आधे घंटे में एक एक चैप्टर हो जाता है और सारे बच्चे खुश हैं, सबका टाइम भी निकल रहा है, सब चैप्टर्स भी लर्न कर पा रहे हैं, इवेंचुअली 30 डेज तक काफी सिलेबस भी हो पाएगा, तो ये कम्युनिटी है। और ये कम्युनिटी है कृति चैंपियंस ओपी, यानी मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसपे हमने पहले भी ये बहुत बार सेशंस करे हैं, जहां पे कोई एक पर्टिकुलर टॉपर बच्चा, जो भाई अपना क्लास टॉपर है, वो आके बाकी बच्चों को 30 मिनट में एक चैप्टर पढ़ा के निकल जाता है। उससे क्या होता है, बाकी बच्चों की हेल्प भी होती है। एक लौती ऐसी कम्युनिटी है यार, जहाँ पे हम ऐसे ऐसे नोट्स डालते हैं जो टॉपर्स बच्चे खुद से बनाते हैं। यूजुअली बच्चे अपने नोट्स शेयर नहीं करते, बट हमारे जो कम्युनिटी है उसमें इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि हर एक बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, चाहे वो डाउट्स हैं चाहे वो नोट्स हैं। तो इसीलिए आने वाले 30 दिन तक के हर दिन 7:00 तुम्हें एक टॉपिक आएगा कि आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये टॉपर बच्चा तुम्हारा क्लास लेने वाला है, जिसपे मैं भी होऊंगी अपने इनपुट्स देने के लिए। 30-30 मिनट में तुम्हें 30 दिन तक कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ना कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस क्लास चल रही है, बिल्कुल मजे मजे में बातचीत में तुम्हारा वो पूरा चैप्टर खत्म होगा, ताकि तुम उसे अपने दिमाग में रिटेन कर सको। और ये था आज एक छोटा सा सरप्राइज कि आने वाले 30 डेज तक हर दिन कौन कौन सी क्लास होनी है, उसका सारा का सारा स्केड्यूल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और ये उन्हीं सीरियस बच्चों के लिए है जो सच में इन 30 दिन में भी पढ़ना चाहते हैं। यूट्यूब पे ये काम करके कोई लॉजिक नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अननेसेसरी चीजें होती हैं, उसमें तुम लोग सामने से अपना इनपुट नहीं दे सकते, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट ऑन टेलीग्राम। तो ये सब चीज पहली है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और ये बच्चे जो हैं, जब ये पढ़ाते हैं बच्चों को, तुम इमेजिन नहीं करोगे किस लेवल पे तुम्हें समझ आता है। एक तो उस बच्चे का रिविजन हो जा रहा है, साथ साथ में बहुत सारे जो बच्चे उनका फायदा हो जा रहा है। फिर आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो, दीदी ये वाला चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं 10 बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जिसको चैप्टर आता है उसका रिवाइज हो रहा है, जिसको नहीं आता उसका फायदा हो रहा है। ठीक है, ये हुई पहली चीज जो एक छोटा सा सरप्राइज है। अब मैं आगे का बताती हूं कि इन 30 डेज में रिविजन कैसे करना है इफेक्टिवली, उसको कैसे टारगेट करके चलना है सब्जेक्ट वाइज, उसकी बात करते हैं। अब देखो, पहले बात करते हैं यार मैथ्स की। मैथ्स को तुमने हर दिन करना है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है क्रैक करने का। मैथ्स को करने के लिए याद रखना कि आज जिस भी दिन तुमने वीडियो देखा है, वहां से लेकर के अगले 7 डेज के लिए तुम्हें मैथ्स के वो सारे इजी चैप्टर्स कर देने जो तुमने कभी पढ़े हैं। ट्यूशन वाले भैया ने पढ़ाया, तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, पढ़ लिया। स्कूल टीचर ने पढ़ाया, थोड़ा बहुत आता है, पढ़ लिया। कोई भी जितने भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, जो तुम्हें लगता है जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, जिससे तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो, वो सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ और मैथ्स कर लो। मैथ्स को रोज तुम्हें 1.5 आवर करना ही करना है, और केवल स्ट्रिक्टली फोकस करना है एनसीईआरटी पे, उसे बाहर से पेपर नहीं बनता। और ये मैं बार बार बोलती हूँ, आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल की वजह से अपना बिल्कुल भी परसेंटेज खराब मत करो। पर डे 1.5 आवर करना है, मैथ्स पकड़ा, एक्सरसाइज करी, एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाए, एक चीज जरूर करना है, सैम्पल पेपर। अब क्या होता है ना, मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं पर भी हो सकता है। लेट से आपके स्कूल में गेम पीरियड हो रहा है, उसमें टीचर बाहर बच्चों को गेम्स, आप बैठो अंदर सॉल्व कर लो। असेंबली नहीं हो रही, असेंबली का टाइम, जहां पे टाइम लगता है, जो चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स का, उससे रिलेटेड सैंपल पेपर बुक लेके चलो कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस मार्क करके मुझे सॉल्व करना है। एक सैंपल पेपर तो करना ही करना है, वो कैसे होगा, जगह जगह लेके जाओ, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन टीचर जब तक नहीं आ रहा, फट से अपना सैंपल पेपर से एक क्वेश्चन निकाल के कर लिया। मैथ्स की सबसे ज्यादा फायदा यही चीज होती है। तो आपने ये काम करना है 7 डेज में, वो सारे चैप्टर्स जो आपको ईजी लगते हैं बेटा, सबसे पहले आपने वो कर लिए। उसके बाद के जो 23 दिन है उसमें उठाओ वो चैप्टर जिनके वेटेज ज्यादा है, जो तुम्हें हल्के से टफ लगते हैं, उसको समझो और करो। इस ऐसे करने से क्या होगा, तुम्हें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुमने कुछ तो किया है आगे काम करने के लिए। तो ये तुम्हारा हो गया मैथ्स का स्ट्रक्चर। याद रखना एनसीईआरटी, और उसको करते करते ट्यूशन टीचर ने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया वो कर लिया, स्कूल टीचर ने दे दिया वो कर लिया। वो पक्का आते हैं, जो स्कूल में टीचर्स बताते होते हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क करो, वो मजाक में नहीं बता रहे हैं, वो बहुत साल से बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको पता है ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो फट से नोट किया और उसको सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं यार सोशल और साइंस की। देखो सोशल और साइंस में क्या है, जिस दिन से तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैथ्स के साथ साथ एक सब्जेक्ट तो कोई ना कोई चलाओगे, या सोशल चलाओ या साइंस चलाओ। पहले 5 दिन तुम्हें सोशल चलाना है, जिसमें अगेन वो सारे के सारे इजी चैप्टर्स बेटा, जो तुम्हें इजी लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इजी चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी गिन के 2 क्वेश्चन आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा आसान है, अगेन फर्स्ट 5 डेज में वो चैप्टर खत्म कर लेना है। अब चैप्टर खत्म कैसे करना है, बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने दोस्त से पढ़ लिया,
समझ लिया, YouTube पे देख लिया, जैसे मर्जी चैप्टर खत्म करना है तुम्हें ये सोचना है यार इन 5 दिन में मैंने ये पर्टिकुलर 6-7 चैप्टर की लिस्ट बनाई है, मुझे तो ये कवर करना है। अगर अभी भी नहीं कवर करोगे तो फिर बाद में बहुत बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा। सारे इजी चैप्टर्स लगा लिए, आपका ये हो गया सोशल का। अब सोशल में करने का लॉजिक क्या है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, मैंने बहुत बार बताया, ऑडियोज ऑडियो पढ़ लो, सुन लो, खुद से रिकॉर्ड कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं सोशल को पढ़ने के लिए। पढ़ के एक बार कोई चैप्टर पढ़ा, खाली पेपर पकड़ लो सीधा जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उस खाली पेपर पे स्टार्ट से जो जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो बस उसमें नोट डाउन करते जाओ, फिर दोबारा से देखो क्या क्या छूट गया, लिख करके दोबारा से एक बार नोट डाउन करो, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस, इससे कि आप चैप्टर्स पढ़ो ज्यादा आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। दोबारा से आ जाओ साइंस पे, पहले 5 दिन सोशल चलाई, अगले 5 दिन अब साइंस चलाओ, अगेन साइंस के वो 5 चैप्टर्स जिसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, जिसमें फॉर्मूलाज नहीं है, जैसे आर एनवायरमेंट का चैप्टर है, बिल्कुल हंसता खिलखिलाता चैप्टर है, फ्री के 3-4 नंबर देके जाता है, वो चैप्टर पकड़ लिया और कर लिया। उसके अलावा आपके जो भी ऐसे चैप्टर्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अच्छा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, समझने वाली बात है, वो सारे ईजी चैप्टर्स पढ़ के साइड करती है। तो आपके स्टार्टिंग के 10 दिन में क्या किया आपने, 7 दिन मैथ्स के अच्छे चैप्टर्स कर लिए जो आपको समझते हैं, और 10 दिन में आपने सोशल और साइंस के अच्छे अच्छे इजी इजी चैप्टर्स कर लिए। अब जो आपके पास आखिरी के 20 दिन बचे हैं उसमें आप 10-10 दिन का टाइम स्लॉट डिवाइड करके सोशल और साइंस के बीच में टफ चैप्टर्स करोगे। आप टफ चैप्टर्स को करने का एक सिंपल और सोबर सा हैक बताती हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास 30 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं और आप पढ़ के जाते हो 1000-1200 क्वेश्चन, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। चूजिंग अ करेक्ट टॉपिक कि कहां से क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। तभी बोलते कि क्लास 10 के बच्चे आखिरी के 1 महीने में पढ़ के भी 95% मार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भाई यहां से क्वेश्चन आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे जो तुम्हारे टफ चैप्टर्स है जिसमें तुम्हारे मार्क्स छुपे हुए हैं, तुम्हें एक चीज समझ आएगी कि पहले जब तुम्हें चैप्टर केवल 30% पढ़ना है, केवल उसको रीड करना है और टॉपिक्स को मार्क करते हुए पढ़ना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा फोकस करा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चलो इग्नोर करा, एक बार रीड कर लिया समझ लिया बस इग्नोर करो, ज्यादा क्वेश्चंस मत लगाओ, टाइम नहीं है सब कुछ पढ़ने का, समझ रहे हो ना मेरी बात। 70% इज क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिस। एक टॉपिक पढ़ा केमिकल एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बैलेंसिंग अ केमिकल, समझ लिया, अब 3-4 बैलेंस कर दो तुम्हारा वो टॉपिक पक्का हो गया। फॉर एग्जांपल रे डायग्राम के क्वेश्चंस कर रहे हो, एक रे डायग्राम किया समझा, क्वेश्चंस करना शुरू करो, थ्योरी मत रटना शुरू करो। मैं तुम्हें बता रही हूं अपने मन से, तुम्हें आता है, तुम पेपर में आंसर लिख के आते हो, टीचर को समझा के आते हो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते। और अगर वो भी नहीं बनता, एक बहुत इजी तरीका है समझाने का कि भाई ऐसा चार्ट बना दो, पॉइंट्स में लिख दो, टीचर तुम्हारे कोई नंबर नहीं काटने वाला। पॉइंट्स के फॉर्म में अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, डब्बा बनाया, 4 जगह की एक्सप्लेन किया, टीचर पूरे मार्क्स देगा। इस तरीके से तुम्हें अपने चैप्टर पढ़ते चलना है। क्वेश्चन आंसर्स इज द की, चाहे सोशल है चाहे आपका साइंस है। जैसी साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, हल्का सा रीड कर लिया, समझ लिया, तुरंत क्वेश्चन आंसर्स की बुक खोल दो। तुम्हारे पास सैंपल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन करने के लिए जो भी तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है उसको खोल के क्वेश्चन आंसर्स सीधा सीधा लगाना शुरू करो, पेंसिल पकड़ के, हाँ ये आता है ठीक है टिक, ये नहीं आता ठीक है इसमें डाउट है दोबारा से पढ़ूंगा, ये आता है टिक। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं फाइनल रिविजन करने के लिए कैसे काम करें, कहाँ से पढ़े, तो बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स है, बहुत अच्छी बात है, पर जिनको चाहिए बुक्स की हम रिवीजन कहां से करें, उनको मैं ये बुक रिकमेंड कर सकती हूँ, फाइनल रिवीजन। इसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स एक ही बुक में है, आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। इसमें आपकी हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चीज इसी बुक में दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि शॉर्टकट्स है, आपके माइंड मैप्स हैं हर एक पेजेस में, तो ये माइंड मैप्स आपको हेल्प करेंगे किसी भी चैप्टर को जल्दी कवर करने के लिए। तो ये बुक आप ले सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, बस ये बुक लेके जाना है। फट से एक चैप्टर पढ़ा, बुक खोली, क्वेश्चंस लगाना शुरू किए, उसी के आगे टिक कर दिया, अलग से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, अब टाइम नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा इस पर्टिकुलर चीज़ों को कवर करने का तरीका। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रिविजन। एक चीज़ बेटा याद रखो, जब भी रिविजन करना है ना, कभी भी रिविजन बोरिंग नहीं होना चाहिए, कभी भी। आपका सबसे शॉर्टकट तरीका रिवीजन करने का क्या है, जब से मैं स्कूल में थी तो मैं भी ऐसी फालतू रिवीजन करती थी, फिर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में ऐसा नहीं होता जैसे स्कूल्स में होता है कि बच्चा दिन रात बैठ के पढ़ता है। कॉलेज में क्या करते थे, 3 चैप्टर थे भाई, एक तू पढ़, एक मैं पढ़ रहा हूं, एक भाई तू पढ़ ले, तीनों पकड़ के आए भाई बहन, इसमें जूम कॉल में आए, 2 से 3 लोगों ने आपस में बातचीत करी, हाँ भाई इस टॉपिक में तो ऐसा ऐसा होता है, तू समझ गया ना, मतलब पूरा समझाया तुम्हारा, 3 चैप्टर 2 घंटे में बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गए। समझना, जब भी चैप्टर को समझना है
तो आप जूम मीटिंग में दो तीन दोस्तों के साथ मिलकर समझ सकते हो, लेकिन जब सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, तो अकेले से करना है, फिर साथ में दोस्ती यारी निभानी, फिर उसको अपने दम पे अकेले पे सॉल्व करो। फिर आती है आपकी बात टीच योर फ्रेंड्स, दूसरा सबसे अच्छा तरीका। कभी भी जेलस नहीं करना है कि भाई उसको आता होगा, भाई चुपचाप से सबसे बढ़िया तरीका है, एक चैप्टर पढ़ा, कल को गए स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में कोई बैक बेंचर बच्चा है भाई, उसका भला हो जाएगा यार, दुआएं देगा, नंबर अलग आएंगे तुम्हारे पेपर में। तुरंत से गए उसको बोला भाई तेरे को ये चैप्टर नहीं आता, उसको बुलाया, उसको पढ़ाया, तुम्हारा सिस्टम सॉर्ट हो गया बेटा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ, जितना ज्यादा स्ट्रेस करोगे नहीं हो पाएगा, ईजी करो, हर एक चीज बहुत आसानी से पढ़ते जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है, और अगर आपको 10th क्लास में ऐसे ही हैक्स चाहिए और अच्छी पढ़ाई करनी है, जितने साल से हमारे पास टॉपर्स हैं, उसके लिए हमारी कम्युनिटी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।